आज हमने चिकन कोरमा बनाया है लेकिन अपने लिए नहीं बनाया। आज हमने पड़ोसन बाजी का जो है वो चिकन कोरमा बनाया है। उन्होंने मुझसे, उनको मेरे हाथ का कोरमा जो है वो बहुत पसंद है, अक्सर खाने वो मुझसे बनवा लेती हैं। तो आज स्पेशल उनकी फरमाइश थी चिकन कोरमा की, तो मैंने चिकन कोरमा आज उनके लिए बनाया है। तो ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो एंड तक और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी, आज की वीडियो। लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। एंड तक साथ रहिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए और चैनल मोनेटाइज हो जाए। और इसके अलावा नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आइए कोरमा बनाते हैं लेकिन बहुत ही आसान तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखरम होंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं आपको ये बंधी हुई चीज़ें क्या दिखा रही हूँ, ये क्या है। तो जी ये है कोरमा बनने लगा है, लेकिन ये क्या क्या किस्सा है इसके पीछे, वो ये है कि कोरमा जो है वो नीचे वाली पड़ोसन का है, वो जो है उनको मेरे हाथ का कोरमा बहुत पसंद है, तो वो मुझे ये सारी चीज़ें दे के गई हैं कोरमे के लिए। चिकन है और ऑयल दे के गई हैं, और इसमें देखें क्या चीज़ें हैं, यकीनन कोरमे से रिलेटेड ही हैं जो मैंने उन्हें कही कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो मुझे दे के गई हैं। ये देखें, ये मसाले हैं कुछ, इसमें है जायफल और जावित्री, धनिया और हरी मिर्ची हैं, प्याज लहसुन अदरक हैं, और दही वगैरह है वो मैंने फ्रिज में रखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरमा बनाना। तो यहाँ पर चिकन जो है वो धो के उन्होंने रखा हुआ है, और ये जो है ना, ये देखें इसका पानी निचड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑयल मैंने लिया है, फिलहाल हम करेंगे पहले प्याज ब्राउन इसका। तो जी प्याज दो दर्द मैंने काट ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको जो है हम फ्राई करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हो रही है ब्राउन, और इसको हम करेंगे तेज़ आंच पे, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी करके निकालना है, तो ये स्लो फ्लेम पर नहीं होगी। तो लहसुन को मैंने छील लिया है, तो चलते हैं कूटने की तरफ। तो लहसुन छील लिया है, और ये देखें अदरक को जो है ना वो मैंने पीस लिया है, ठीक है। तो अब जो है ना मैं लहसुन डालती जाऊँगी और मैं इसको पीसती जाऊँगी। इस साइड पर जो है ना लाइट थोड़ी सी कम है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, नज़र तो आ रहा है, ठीक है। एक एकदम से सारा नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर ये जो है ना वो निकलता है बाहर, गिरता है, तो हल्का हल्का सा इसको पीसेंगे। लहसुन अदरक जो है ना वो मैं पीस के नहीं रखती, वैसे तो स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसका जो है ना वो ये जो फ्रेश कूटा हुआ होता है, इसका टेस्ट जो है ना वो अलग ही होता है, बहुत फ्रेश टेस्ट होता है, फ्रेश खुशबू होती है, तो खानों में अच्छा जायका और अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए मैं इसको पीस के नहीं रखती अमूमन। हाँ, लेकिन अगर कोई जल्दी हो, प्रॉब्लम हो, ज़्यादा खाना दावत वगैरह हो, तो फिर मैं एक दिन पहले पीस के रख लेती हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम। तो पीस लेते हैं जी लहसुन अदरक को भी, और साथ साथ देखते हैं अपनी प्याज को भी। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे करके, और लहसुन अदरक को पीस लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल ली है एक कागज़ पे, इसको इस तरह फैला दिया ताकि इसकी जो क्रिस्पीपन है वो इसमें आ जाए, थोड़ा ठंडा होगा तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छा जी अब चलते हैं मसालों की तरफ। तो जो मसाले हमने पीसने हैं उसमें है ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें, छोटी इलायची, दालचीनी, और ये है जावित्री, और ये है जायफल। तो जावित्री को भी हम शामिल करते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा, ठीक है जी। ये देखिए बस इतना सा पीस हमने जावित्री का शामिल किया है, और जायफल भी इसमें से आधी डालेंगे हम तोड़ के। तो इन तमाम मसालों को मैं पीस लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें तमाम मसाले जो है ना वो मैंने पीस लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक चाय का चम्मच भर के जो है ना नमक, वो नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, और हसबे ज़रूरत हम इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर। तो मैं इसमें दो चाय के चम्मच डाल रही हूँ फिलहाल, बाद में मैं चेक करके डाल लूँगी अगर मुझे कम लगा तो। अभी फ़िलहाल इतने मसाले, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। अब घी को हमने दोबारा गर्म किया है, और इसमें ये चिकन डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चिकन को फ्राई करते हैं। अच्छा जी चिकन को जो है ना 3 मिनट तकरीबन मैंने फ्राई किया है, ये देखिए माशाल्लाह ये हल्का हल्का सा सुनहरी होना शुरू हो गया है, और ये अच्छा फ्राई होके ही अच्छा कोरमा बनता है। तो दो चम्मच खाने के दो चम्मच जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर शामिल कर देते हैं हम। ठीक है,
लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्याज की तरफ। तो ये देखिए इतनी क्रिस्पी हो गई है कि इसको हम हाथ से तोड़ते हैं। ये देखें ये हाथ से टूटने के बाद जो है ऐसे हाथ से मरोड़ेंगे तो ये देखें इसका चूरा बन गया। ये इतनी क्रिस्पी है, इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथों से हमने इसको इस तरह कर लेना है। ये देखें और बस ये हो गया हमारा काम। देखा आपने, ये देखिए ये बिल्कुल चूरा बन गई है। ठीक है, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। जी अच्छा सा लहसुन भी फ्राई हो गया, तो हम मसाले इसमें बिस्मिल्लाह डाल देते हैं और फ्राई करते हैं इसको। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाले ना चले, और इसको 2-3 मिनट मज़ीद भून लेते हैं। ये मसाले हमने अच्छे से भून लिए हैं। अब हमारे पास जो प्याज थी जो हमने फ्राई करके चूरा किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये प्याज हमने इसमें शामिल की और थोड़ा सा मज़ीद भून लेते हैं, 1-2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्याज ऑलरेडी भुनी हुई है, समझे। बस हमने इसको मिक्स करना है वरना ब्लैकिश हो जाएगी। तो हम यहाँ पर दही शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच दही शामिल किया, और ये जो हमने बचाई है ये हम लास्ट में डालेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा क्रीमी हो जाए। और अब दही का पानी सुखाएंगे हम, भूनते जाएंगे साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाला भून गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और हम इसको ढक के रख देंगे हल्की आंच पर, ताकि चिकन जो है जितनी कसर बाकी रह गई है, वैसे तो भुनाई में गल गया है काफ़ी सारा, लेकिन हमने इसको मुकम्मल गलाना है तो साइडों से साफ़ कर देते हैं ताकि जले नहीं। ठीक है, तो हम रख देते हैं चिकन को ढक कर हल्की आँच पर। तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं, तो हम उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखें, और इसमें थोड़ी सी दही जो है ना मज़ीद शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 खाने के चम्मच तकरीबन। अगर चाहें तो इस टाइम पे आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देते हैं। अच्छा जी, तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह जैसे ही ढक्कन उठाती हूँ इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, खुशबू के लिए। हरी मिर्चों को कट लगा लिया है, वो मैंने ऐसे डाल दिया, और हरा धनिया डाल देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए डाल दिया, और ढक्कन बंद करते हैं और फ्लेम को भी ऑफ कर देते हैं। फ्लेम बंद किए हुए हमें 2 मिनट गुजर गए हैं, उठाते हैं ढक्कन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी लुक, इसकी फाइनल लुक देखें आप, तो कितना ज़बरदस्त बना है हमारा कोरमा, चिकन कोरमा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जब सब्सक्राइब को दबाना है आपने, और इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।